बंटी यहाँ देखे लिए एक स्फोटक फलंदाज मानला जातो ही। अपन ग्रामीण क्रिकेट का विचार केला तर गोरसे या संघाकडून खेळताना या खेळाडूला पाहतोय तो फलंदाज मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय एच एस स्पॉट या संघाकडून। पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी। परवेश गोलंदाज पुन्हा एकदा वळतोय पंचांच्या डाव्या बाजूने। यावेळेस सुरेख फटका इन साइड आउट चेंडू हवेत आहे। जेल खाली क्षेत्र रक्षक चुकी करतोय जेल सोडतोय त्या ठिकाणी संदेश पवार याला जीवनदान दिलं जातंय। अतिशय सुरेख गोलंदाजी होते त्या ठिकाणी परवेश या गोलंदाजाच्या माध्यमातून। मात्र यावेळेस क्षेत्ररक्षकांना साथ मिळाली नाही। परिणाम स्वरूप संदेश पवार त्या ठिकाणी सेफ आहे। षटकातील अपुढील चेंडू यावेळेस त्रिफलाची फलंदाज बाद फुलटॉस चेंडू होता मात्र चेंडू सरळ यष्ट्यांवर आदळतोय आणि त्रिफलाची स्वरूपात बंटी बाद। सुरेख गोलंदाज आपण पाहतोय परवेश या गोलंदाजाच्या माध्यमातून दुसरा गडी बाद करण्यात यश आलं या षटकामध्ये परवेश या गोलंदाजाला। तर षटकाची समाप्ती देखील झालेली आहे। षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 8 मात्र 2 गडी बाद झालेले आहेत। बाद होणारे फलंदाज मुन्ना याने एक षटका ढोकला होता त्यानंतर मात्र बंटी बाद झालाय धावसंख्या 8। तर गोलंदाज भोला येतोय वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज भोला आलाय। पाहूया या षटकामध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय भोला। नवीन फलंदाज आमिर खेळपट्टीवर आलाय। बोला षटकातील पहिला चेंडू घेऊन वळतोय। त्यावेळेस पहिला चेंडू सुरेख फटका कवरच्या दिशेने चेंडू जातोय चांगलं क्षेत्ररक्षण एक धाव पूर्ण एकापेक्षा अधिक काही एक नाही। बोला हा गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस वेगा परिवर्तन करून टाकलेला हा चेंडू। चेंडू थोडा वेळ हवेत होता मात्र पहिल्या टप्प्यावर क्षेत्ररक्षण केलं गेलं त्या दरम्यान एक धाव पूर्ण करतोय आमिर स्वतःचं खाते ओपन करतो या एका धावेशी। आपण यष्टरक्षकाच्या भूमिकेत इफ्तिकार अन्सारी याला पाहतोय। बोला यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं त्या ठिकाणी जवळजवळ 3 धावा वाचवल्या आपल्या संघासाठी मात्र या चेंडूवर एकच धाव आली। अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय परवेज त्यानंतर भोला या गोलंदाजाची षटक क्रमांक दुसरा चालू आहे। भोला वळतोय यावेळेस चेंडूवर प्रहार झाला चेंडू आवेत आहे जलकाली क्षेत्र रक्षक तिसरा गडी बाद होतोय एच एस फोट या संघाचा। अतिशय सुरेख गोलंदाजीचा प्रदर्शन आपण पाहतोय। भोला या गोलंदाजाच्या माध्यमातून या षटकातील काही चेंडू शेष आहेत मात्र 3 धावा खर्च केले त्यांना एक गडी बाद करण्यात यश आले ते म्हणजे भोला या गोलंदाजाला। 11 या धावसंख्येवर तिसरा गडी बाद होतोय। नवीन फलंदाज करण येतोय खेळपट्टीवर। करण हा देखील एक चांगला स्फोटक फलंदाज मानला जातोय खास करून आपण ग्रामीण क्रिकेटचा विचार केला तर कासार 11 या संघाकडनं खेळताना पाहिलं होतं या करणला। तोच करण मात्र आता नॉस्ट्रेक येणला। यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता मात्र बीट होतोय फलंदाज संदेश पवार। यष्टरक्षक इफ्तिकार अन्सारी त्या ठिकाणी आपण पाहतोय।
चेंडू कलेक्ट करतोय निर्धावच्या स्वरूपात, धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 11। यावेळेस चांगला फटका, डीप फाईन लेग सीमारेषेला चेंडू अडवला गेला, पुन्हा एकदा एकच धाव। षटक समाप्तीचा इशारा, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 12। धावसंख्या 12 झालेला आहे, अतिशय संत शांत सुरुवात आपण पाहतोय, शांत क्रिकेट एच एस स्पोर्ट या संघाकडनं। धावसंख्या 12 असताना 3 गडी बाद झालेले आहेत। तर आता मात्र तिसरं षटक, आणि षटक घेऊन गोलंदाज इफ्तिकार। माझे साथी समालोचक आहेत इफ्तिकार अन्सारी, मात्र यावेळेस या सामन्यामध्ये आपण ऍक्शन मध्ये पाहतो इफ्तिकार अन्सारी याला, आणि संघाच्या संघनायकाने मात्र तिसरं षटक हाताळण्याची जबाबदारी दिलेली आहे। पाहूया या षटकामध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो इफ्तिकार। इफ्तिकार षटकातील पहिला चेंडू घेऊन वळतोय, यावेळेस पहिला चेंडू रिव्हर्स स्वीप केलाय, सुरेख फटका आपण पाहतोय, चेंडू सीमारेषेलगत ट्रॅव्हल होतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी झालेलं आहे। दोन धावा पळून काढल्या संदेश पवार याने, दोन धावेची धावसंख्या 14 झालेली आहे। अतिशय चांगला फटका होता, परंतु सीमारेषे पार होऊ शकला नव्हता, कारण त्या ठिकाणी उभा असलेला क्षेत्ररक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतोय इफ्तिकार। षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस सुरेख चेंडू, अप्रतिम चेंडू, निर्धाव जातोय। इफ्तिकार पुन्हा एकदा वळतोय, षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क आणि निर्धाव जातोय चेंडू। अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय रॉयल स्टार या संघाकडनं, खास करून पहिलं षटक हाताळलं होतं परवेज याने, त्यानंतर दुसरं षटक हाताळलं होतं भोला याने, त्यानंतर आपण तिसरं षटक पाहतोय गोलंदाज इफ्तिकार अन्सारी याला। षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस मात्र फुल टॉस चेंडू होता, चांगला फटका आणि चेंडू सराला सीमारेषा पार होतोय चौकार। वेलकम इम्रान अन्सारी, जीएम स्पोर्ट संघाचे कर्ता धरता, त्याचबरोबर रफिक याचं देखील आगमन झालेलं आहे, वेलकम। तर एक खराब चेंडू आपण पाहिला, त्याला योग्य दिशा दिली गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्जा। षटकातील पुढील चेंडू, एक आगला वेगळा ऍक्शन पाहतो आपण, यावेळेस खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, एक धाव पूर्ण, थोडं कच्चाल क्षेत्ररक्षण, दुसरी धाव पूर्ण, सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये, करण आणि संदेश या दोन मध्ये। धावसंख्या 20, यावेळेस पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, निर्धाव जातोय, अतिशय सुरेख षटक हाताळले इफ्तिकार अन्सारी याने। तर तीन षटकाची समाप्ती, धावसंख्या 20, 3 गडी बाद झालेले आहेत। धावसंख्या 20, 20, लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 3 ओव्हर्स कंप्लीट।
गोलंदाज रस्सम आलाय शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो या षटकामध्ये. मात्र करण सामना करेल. पहिला चेंडू त्यावेळे सा पहिला चेंडू चेंडूवर प्रहार झाला. चेंडू सरळला डीप मिड विकेट सीमारेषा बाहेर षटकार. यावेळेस चेंडू शरीरावर आदळला होता. आपण अक्षय या खेळाडूला पाहतोय. पुढचा चेंडू यावेळेस अतिशय सुरेख चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू आपण पाहिला. निर्धाव जातोय. कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर. अतिशय देखणे गोलंदाजी आपण पाहतोय. धाव संख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 26-26. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा एक अतिशय सुरेख चेंडू आपण पाहिला. अतिशय सुरेख षटक हाताळताना आपण पाहतोय गोलंदाजाला. पूर्ण पकड मजबूत आहे रॉयल स्टार या संघाची. यावेळेस मात्र चेंडूवर प्रहार झालाय. चेंडू सरळ सीमारेषे बाहेर षटकार. दोन षटकार आपण पाहिले आतापर्यंत या षटकामध्ये. धावसंख्या 32 झालेला आहे. पुढचा चेंडू त्यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूवर प्रहार झाला. चांगला फटका आपण पाहतो. चेंडू दोन क्षेत्ररक्षकाच्या मधून सरळ सीमारेषा पार चौकार. रॉयल स्टार के कॅप्टन आपको कमिटी से संपर्क साधना है. रॉयल स्टार के कॅप्टन आपको कमिटी से मिलना है. धाव संख्या 36-36 झालेला आहे. 37 धावांचं आव्हान आहे चार षटकामध्ये. Gracias.
देखो अबे बोला मजा है फोटो भेजा बोला मजा है देखा उधर रॉयल स्टार या संघाला दोन धावांचा पेनल्टीचा सामना करावा लागतोय. आपके टी शर्ट सेम नहीं है. थर्टी सिक्स हुआ था उसमें दो प्लस किए जा रहे हैं. 38 हुआ है. 39 का टारगेट है. धावसंख्या 36 झाली होती त्यामध्ये दोन धावा प्लस केल्या जातात. धावसंख्या 38 आता मात्र 39 धावांचं आव्हान असेल रॉयल स्टार या संघासमोर. षटकातील पहिला चेंडू 39 धावांचं आव्हान. त्यावेळेस पहिला चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. सुरेख फटका आपण पाहतोय. एक धाव पूर्ण चेंडू जमिनी लगत गेला होता. दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांमध्ये परिणामस्वरूप दोन धावा पूर्ण झाल्या. या दोन धाव्याशी मात्र फलंदाज स्वतःच तसेच संघाचं खातं ओपन करतोय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस धावचीची संधी फलंदाज बाद धावचीच्या स्वरूपात. फलंदाज रसम येतोय. एकोणचाळीस धावांचं आव्हानानं त्या आव्हानाचा पाठला करत असताना मात्र एक गडी बाद झालाय. I'm
फैसल गोलंदाजी मार्कवर षटकातील अपुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. आपण बोलाया फलंदाजाला पाहतो स्ट्राइक एंडला. वेलकम सुमित सोनार. यावेळेस अतिशय सुरेख चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू. पडल्यानंतर चेंडू सरळला यष्टरक्षक कलेक्ट करतोय. फैसल वळतोय. यावेळेस चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव पूर्ण, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. आणि ज्या प्रकारचं लक्ष आहे ते लक्षात घेता एकेरी दुहेरी धावामध्ये काही एक घडणार नाही. मोठे फटके खेळावे लागतील, हवाई मार्गाचा वापर करावा लागेल. मात्र खास करून येणाऱ्या फलंदाजांमध्ये इफ्तिकार अन्सारी, फैसल या तर पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 आहे, 2 गडी बाद झालेले आहेत. आता मात्र दुसरं षटक, गोलंदाज पाहूया कोणता गोलंदाज येतोय दुसरं षटक हाताळण्यासाठी. यस इज मोहन. मोहन हा गोलंदाज दुसऱ्या षटक टाकण्यासाठी आलाय. संघाच्या संघनायकाने जो विश्वास दाखवलाय मोहन याला, तर पाहूया त्या विश्वासाने गोलंदाजी करतोय का मोहन. यावेळेस अतिशय सुरेख चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू, निर्धाव चेंडू. यावेळेस अंधा धुन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. चेंडू निर्धाव गेलाय पुन्हा एकदा. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाज मोहन याच्या माध्यमातून. मोहन पुन्हा एकदा बोलतोय षटकातील अपुढील चेंडू. यावेळेस अनपेक्षित उचली घेणारा चेंडू. बॅट आणि बॉल मध्ये पुन्हा एकदा कोणत्या प्रकारचा संपर्क नाहीये. आपण खास करून मोहन या गोलंदाजाचा विचार केला तर ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खांडपे या संघाकडनं खेळताना आपण पाहतोय मोहन या गोलंदाजाला. आणि तोच गोलंदाज यावेळेस आपण सिटी क्रिकेटमध्ये पाहतोय. एच एस स्पोर्ट या संघामध्ये खेळतोय. एच एस स्पोर्ट शकीलभाई कबाडवाला फॅन्टीम शॉर्ट फाईन लेगला आपण पाहतोय. शकीलभाई कबाडवाला यांना क्षेत्ररक्षण करताना पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. बॅक टू बॅक चौथा निर्धाव चेंडू टाकलाय मोहन या गोलंदाजाने. तर पाहूया या स्पर्धेतील पहिलं मेडन षटक हाताळतोय का गोलंदाज मोहन. यावेळेस पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, निर्धाव चेंडू गेलाय. कोणत्या प्रकारचा फुटवर्क दिसून आलेला नाहीये बोला याच्या फलंदाजीमध्ये. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला एक योग्य फटका मारायचा असतो त्यावेळेस मात्र तुमचं टायमिंग, तुमचं बॉडी बॅलन्स, तुमचं फुटवर्क फार महत्वाचं असते. असं काही या ठिकाणी दिसून आलेलं नाहीये. यावेळेस फुलटॉस चेंडू होता, चेंडूला हलक्या त्याने खेळून काढलाय. एकच धाव.
आपण 5 चेंडू निर्धाव पाहिले होते. शेवटच्या चेंडूवर एकच धाव काढली. दोन षटकाची समाप्ती. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. गोलंदाज चेतन येतोय. षटक क्रमांक 3 वैयक्तिक पहिला. पाहूया चेतन कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय या षटकामध्ये. मात्र पूर्ण पकड मजबूत आपण पाहतोय याच्या स्फोट या संघाची. चेतन यावेळेस एक चेंडू अप्रतिम चेंडू. आपण जर बोला याच्या खेळीचा विचार केला तर तब्बल 7 चेंडू बीज झालाय तो. चेतन गोलंदाज अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज मानला जातो. पुढचा चेंडू यावेळेस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. मिस टाइम फटका चेंडू थोडा वेळ हवेत होता. सेफ लँडिंग चेंडूची. पहिल्या टप्प्यावर क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. त्या दरम्यान एक धाव काढली. बोला या फलंदाजाने 10 चेंडूंचा खेळ केलाय आतापर्यंत होलाय या फलंदाजाने. आणि अवघ्या 3 धावांचं योगदान दिलंय. यावेळेस निर्धाव चेंडू. सुरेख गोलंदाज आपण पाहतोय याच्या स्फोट या संघाची. आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलं होतं हमीस स्फोट बी या संघाने अवघ्या 15 धावा धावफलकावर जमा केल्या होत्या. 4 षटकामध्ये एक लो स्कोरिंग सामना आपण पाहिला होता. यावेळेस पुन्हा एकदा एका सुरेख चेंडू आपण पाहतोय. निर्धाव जातोय चेंडू. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय याच्या स्फोट या संघाकडनं. चौतीस धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेस लेफ्ट फुलटा चेंडू होता. ड्राईव्ह केला चेंडूला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू अडवला गेला. एक धाव पुन्हा दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय. फलंदाज बोला बाद. यावेळेस मी स्टॅम्प फटका 15 धावा धावफलकावर पाहिल्या होत्या आम्हीच स्फोट बी या संघाकडनं. त्यानंतर मात्र अतिशय दुर्दैवी अवस्था या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 4 चालू आहे आणि धावसंख्या धावफलकावर अवघ्या 6. तर पाहूया आम्ही स्फोट बी या संघाचा रेकॉर्ड या ठिकाणी ब्रेक होतोय का. कारण त्यांच्या 15 धावा होत्या. यावेळेस सुरेख चेंडू. आपण याआधी आम्ही स्फोट बी या संघाला पाहिलं होतं. 15 धावा धावफलकावर झळकावल्या होत्या. त्यानंतर मात्र आपण या ठिकाणी दुर्दैवी अवस्था पाहतोय. खास करून इफ्तिकार अन्सारी 0 या धावसंख्येवर बाद झाला होता. यावेळेस पुन्हा एकदा एका फलंदाज ट्रिपल.
तर पाहूया एक अतिशय सुरेख षटक हाताळताना आपण पाहतो अक्षय या गोलंदाजाला. मेटेन विकेट षटक जातोय का पाहूया, कारण या षटकामध्ये तीन गडी बाद करत यश आलाय अक्षयला आणि एकही धाव अजून खर्च केलेला नाहीये. इफ्तिकार अन्सारी यांच्या चेहऱ्यावर नाराजगी आपण पाहतोय. उस्मानिया संघाचा संघ नाही का पण नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. उस्मानिया के कॅप्टन आपको टॉस के लिए आना है. अतिशय खराब फलंदाजी आपण पाहतोय रॉयल स्टार या संघाकडनं. ज्या प्रकारचं नाव आहे रॉयल स्टार, मात्र रॉयल फलंदाजी पाहायला मिळालेली नाहीये. यावेळेस निर्धाव चेंडू आणि अशा प्रकारे निर्धाव षटक हाताळलाय. विकेट निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय, कारण तीन गडी बाद झाले होते या षटकामध्ये आणि एकही धाव खर्च केलेला नाहीये गोलंदाज अक्षय याने. अतिशय सुरेख षटक हाताळलं. मॅन ऑफ द मॅच अक्षय. रॉयल स्टार या संघाला पाहिलं मात्र कोणत्याही अंगलने असं वाटलं नाही की रॉयल स्टार आहे. मॅन ऑफ द मॅच अक्षय या सामन्याचा हिरो आपण पुढे यायचा आहे. अरबाज शेख सर आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच देना है अक्षय को. बहुत बहुत शुक्रिया. हम अगला मुकाबला देखने जा रहे हैं हमीद स्पोर्ट्स बनाम उस्मानिया स्पोर्ट्स. दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको लास्ट कॉल है टॉस के लिए. ये पॉकेट रख तेरी.
उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन जुड़ चुके हैं और अब हमीद स्पोर्ट्स के कैप्टन भी जुड़े। हम टॉस कर रहे हैं अगले मैच का। दोनों टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स पे आना है। हम टॉस कर रहे हैं अगले मैच का। उस्मानिया बनाम हमीद स्पोर्ट्स। टॉस को जीता इस वक्त हमीद स्पोर्ट्स ने और पहले डिसीजन पेंडिंग रखा है। हमीद स्पोर्ट्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस सीजन और हमेशा के लिए जूनियर में एक नया रिकॉर्ड रॉयल स्टार ने अपने नाम किया है कि 37 के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और सिर्फ 39 और सिर्फ 4 ओवर में 6 रन बनाए। ये जिंदगी में हम कभी नहीं भूलेंगे। इससे अच्छा हमीद भी खेली थी। बच्चे थे बेचारे, नन्ने मुन्ने बच्चे, खिलौना जिनके हाथ में होना चाहिए था आज वो बल्ला लेके उतरे थे।
उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको 5 मिनट का वक्त है अपनी फील्डिंग सजाने के लिए। उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको अपनी फील्डिंग सजानी है। देख मोबाइल देख, आईफोन का दो है, ए दो आईफोन है और एक सैमसंग, कितना सैमसंग कौन सा है रियाज भाई का, उसको लेके हम लोग बहुत फोन है। मैंने ये डाले वो बोला कि उसको डाल दे, चल चल दे पहली ओवर को भी मार दो, नॉट निकाल दे बोल, बोल जल्दी कर दे, हम इस फुटबॉल बैट्समैन बोल रहे हैं, पैर को बोल, हां तो बोल लेगा ना मेरे को, मैं था जब तक।
जय वैताल के कैप्टन और स्ट्राइक पर हैं बैट्समैन आकाश, नॉन स्ट्राइक पर हैं रियाज, पहला ओवर लेकर आ रहे हैं बैट्समैन बॉलर आकिफ। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड घोषित किया अंपायर शाहिद ने। आकिफ एक बार फिर राइट आर्म और द विकेट हो लेकिन सराहना करूंगा कि गेंद डॉट नहीं की। एक गेंद पर आउट हो जाना अच्छी बात है, अच्छी खबर है, लेकिन गेंदे चार ओवर में बीट करना तो फिर रॉयल जैसा हाल होता है हर किसी टीम का। दो रन की पेनल्टी उस्मानिया स्पोर्ट्स को लगी है, टी शर्ट एक जैसी ना होने के कारण, और उस्मान और नफीस मामू ने कहा कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। जावेद सरदार भी आज एक्शन में नजर आ रहे हैं। मामू इससे पहले हम लोग एक्शन में थे लेकिन हमको रिएक्शन हो गया है, अब नहीं खेलेंगे क्रिकेट। इस मरतबा हुक किया गेंद को शॉर्ट, थर्ड मैन के खिलाड़ी बढ़िया फील्डिंग, एक नो घोषित किया, वन प्लस वन टू, टोटल स्कोर चार। फ्री हिट का इशारा किया है शाहिद भाईजान ने अपने वक्त के एडम गिलक्रिस्ट हुआ करते थे। इस मरतबा दूर से खेले बैट्समैन, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर मिड विकेट की दिशा में। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, टोटल स्कोर पांच। इस मरतबा बल्ले को किस लेकर नॉन स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी की, मुकेश की, साजिद विकेट कीपर बहुत लंबे अरसे से क्लोज कीपरिंग कर रहे हैं। इस मर्तबा स्विच हिट किया, कैच ड्रॉप हुआ वहां पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि संदेश पवार का भी कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद संदेश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। दिलशाद आपको हमारे साथ जुड़ना है, दिलशाद अंजुमन स्पोर्ट्स के। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद, अच्छी कोशिश, यस, पांच रन अपनी टीम के लिए बचाए नफीस मामू के साहबजादे ने, सैफुल्ला ने।
बहुत अच्छी कोशिश, क्योंकि अगर ये सिक्सर चला जाता तो उस्मानिया की मुश्किलें बढ़ जाती। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन और 2 रन की पेनल्टी को प्लस करके अबरा डियो 2 रन की पेनल्टी को हमने ऐड कर दिया है तो एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज नरेश। मामू की टीम में भी बहुत चेंजेस रहते हैं। यस, मामू बनाते हैं, लोग लेकर निकल जाते हैं, ये तो क्रिकेट है। शकील कबाटवाला आपको कमेंट्री बॉक्स पर आना है। अटकी हुई गेंद, अत्री तुछाल, बहुत खूबसूरत गेंद, सफल होकर खेलने का प्रयास। डॉट गेंद, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, पहली ही गेंद पर बीट कराने में कामयाब हुए। अच्छा खासा लंबा रनअप और गति बहुत तेज। एक और बेहतरीन डिलीवरी, बहुत खूबसूरत गेंद, जागते रहो का आदेश दे रही है बैट्समैन को। नरेश अच्छी गेंदबाजी, अब तक की 2 गेंदें बीट करवाई है। नरेश एक बार फिर उनकी ये गेंद, हो एक और अच्छी गेंद, बीट वे बैट्समैन, डॉट गेंद, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भोला विकेटों पर खड़े। एक और अच्छी गेंद नरेश की, 4 गेंदें डॉट हो चुकी हैं, अब ऐसा लग रहा है कि भोला बल्लेबाजी कर रहे। मेरे आने के बाद तो हामिद ने मेरी बहुत मजा ली थी। बहरहाल ऊंट पहाड़ के नीचे तो आता ही है। नरेश की ये गेंद, हो क्या इस सीजन का 3रा मैडन ओवर हम देखने जा रहे हैं उमर खान। हालांकि पहला मैडन ओवर अमजद के नाम है आरके स्पोर्ट्स के, दूसरा हमारे सामने अभी गिरा था जिसे कामयाब होने में भोला ने साथ दिया था, अक्षय एचएस स्पोर्ट्स के। अगर ये करते हैं तो इस सीजन 3रा मैडन ओवर कर लेंगे। तीसरा, बिल्कुल, और इस गेंदबाज का नाम है नरेश उस्मानिया के। बोल नहीं मिलेंगे, नहीं नहीं 6 बोल गए लेके दिए नहीं, अभी सुबह हम लोग 4 बोल पुराना किए। अरे बेटा जुनैद कहाँ है? जुनैद एक बोल तेरे को मैं जो खा दिया था वो क्या हुआ? ले खराब है, ले हाँ निकालो निकालो, खराब बोले नहीं भी देगा तो चलेगा। कितना रन दिया था? 10 कौन मैं 10 रन 7 रन दिया ना, क्या भोसड़ी की? 3 ओवर में 20 हुआ था ना खाली? हाँ तो 3 ओवर में जिसको हम लोग 20 पे रोके थे मालूम है, देखा ना इसको, देना बॉल देना दो, ये नहीं भी देगा तो चलेगा।
स्कोर है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 10 रन मेडन वर्ल्ड। मुकेश बहुत अच्छी गेंद की थी, बिल्कुल अपनी विकेट को संभाल नहीं पाए वहां पर बैट्समैन, क्लीन बोल्ड हो गए थे। मुकेश उनकी गलत है ना, मुन्ना ये गलत है ना, ये मैच ले लिया, मैच हार रहे ना, फोकट झक मार रहे हैं, गलत किया, पानी है कितना अंदर नहीं आया और अंदर आता जा। मुकेश मुकेश किए गए यस, मैच में बने रहना है तो इसी तरह से बड़े स्ट्रोक्स आने की जरूरत है हमीद स्पोर्ट्स को। मुकेश की ये गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत तेज सरदार थी, पूरी तरह से दूसरे के लिए पलटे, डायरेक्ट हिट, यस आउट हो गया ब्राडियो मुनव्वर, यस गोटियां बहुत खेलिए, यही कारण था कि डायरेक्ट हिट किया था और आउट हो गया ब्राडियो, पुराने चावल हैं क्रिकेट के और पुराने चावल की बिरयानी बहुत अच्छी बनती है मुन्ना, कभी आप बुलाइएगा हमें भी माँ फैमिली। एक मिनट टोटल स्कोर 22 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर बहुत अच्छी रही थी और सबसे अच्छी ओवर निकेश की रही थी, नरेश की रही थी मैडन ओवर। बैठना है ये भैया, थोड़ा इसको जगह देना भैया, उस तरफ बैठो, ये साइड बैठो, वो माइक रखता है बोलो। आइए एक नई आवाज आपके साथ जुड़ रही है अगली एक ओवर के लिए, शकील कबाट वाला ने रिक्वेस्ट करके उन्हें कमेंट्री बॉक्स में बैठाया है, ओवर टू एक नई आवाज।
जी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अंसारी। और अब गेंदबाजी पर आए हैं अब्दुल्ला, देखना है काफी कसी हुई गेंदबाजी हुई अब तक उस्मानिया स्पोर्ट की, क्या इसी तरह की गेंदबाजी करेंगे अब्दुल्ला? कसी हुई, वैसे तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं वो सिटी क्रिकेट में, क्या अपना जलवा आज बिखेर पाएंगे इस मैच में? राइट टाइम ओवर द विकेट शुरुआत करेंगे। बेहतरीन गेंद अब्दुल्ला, गिल्लो और फुल टॉस थी, कारपेट के सारे सिर्फ एक रनों के लिए, सैफुल्ला की अच्छी फील्डिंग वहां पर। और इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 23, 23 रन। पेस किया था अब्दुल्ला ने और पूरी तरह से बीट हो गए थे बैट्समैन। डॉट गेंद, काफी चतुराई भरी गेंद थी अब्दुल्ला की। फिर से इसे कैप्टन और एचएसी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आना है। इस इनिंग के बाद जय वैताल का टॉस और उस्मानिया स्पोर्ट का, अरे एचएस का टॉस होना है। काफी रोमांचक मैच होगा, वो देखना ना भूले। इसे उछाल दिया, बैट्समैन शौकत ने नजरों के सामने से गेंद को उठाया था और गेंद पहुंची थी मिड विकेट की दिशा में और तूफानी सिक्सर। उन्होंने काफी हद तक परख लिया था अब्दुल्ला को। और इस सिक्स के सब मदद से बॉल इन 6 रनों की मदद से स्कोर काफी तेजी से बढ़ता हुआ। चार विकेट के नुकसान पर थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब्दुल्ला। बहुत अच्छा स्ट्रोक वापसी की है वहां पर शौकत ने। एक और पटकी के नुकिया, यस आउट हो गए शौकत। और ये लगता है बल्लेबाज उन्हें ढूंढ मान इस साल लिखा जाएगा कि नरेश ने हैट्रिक कैच लिया है। बेहतरीन कीर्तिमान अपने नाम करते हुए नरेश। इस मैच में उन्होंने दो और अब्दुल्ला यार कर गए। और इसी के
लेकिन एक बात कहूंगा कि एक तरफा मुकाबला तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस सीजन 7 हैट्रिक विकेटें ली गई हैं, 4 सिटी इमर्जन में थी, 3 संयुक्त चषक जो कि कल देर शाम खत्म हुआ उसे अपने नाम किया आरके स्पोर्ट्स ने, और उसकी रनर रही वीआर स्पोर्ट्स, एक तरफा मेगा फिनाले था। आज इस त्याग की कड़ी परीक्षा है, क्योंकि वो चौथे गेंदबाज बने थे, तीसरे गेंदबाज बने थे हैट्रिक विकेट लेने वाले, और आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अबरार डीओ, अच्छे गेंदबाज रफीक इश्तियाक, इसके बाद की दोनों टीमें जय वैताल के कैप्टन और एचएस के कैप्टन आ चुके हमारे बीच में मौजूद है इस वक्त, बहुत पुराने क्रिकेटर जिन्होंने बहुत लंबा अरसा भिवंडी सिटी क्रिकेट में दिया उस्मानिया स्पोर्ट्स के लिए। मैं गुजारिश करूंगा नफीस मामू से कि वो अपने दस्ते मुबारक से आज के दिन के आखिरी मुकाबले का टॉस कराएं। नफीस मामू, उस्मानिया स्पोर्ट्स क्लब के कर्ता धर्ता। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम है नफीस मामू सिटी क्रिकेट में, इनके हाथों से इस मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। और टॉस जीता है, अभी अपना निर्णय नहीं बताया है, पेंडिंग रखा है, कुछ देर बाद बताएंगे। शुक्रिया। दिलशाद आ चुके हैं, उनके साथ उनके एक करीबी दोस्त, यस आज इनकी टीम मुकाबला जीती और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। हमारे दोनों अंपायर्स इस वक्त भी इस मैदान में, मैच की शुरुआत होने जा रही है। शाहिद मोमिन और शकील कोटी पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अबरार डीओ। ओपनर्स भेजने उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन। शुरुआती झटके देने होंगे आज अबरार डीओ और हमीद स्पोर्ट्स को, उस्मानिया को, अगर मुकाबला जीतना है। चार ओवर के मुकाबले में अगर आपका एक ओवर अच्छा गिर जाता है, हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड, इस ग्राउंड पर 30 और 35 का जो लक्ष्य होता है उतना आसान नहीं होता। पिछले सीजन उस्मानिया स्पोर्ट्स चौथे नंबर पर रैंकिंग कर रही थी, एक की रनर रही थी, वो भी सबसे बड़ा कप खासदार कप। एचएस स्पोर्ट्स ने टॉस को जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ओपनर बैट्समैन एक तरफ आरिफ, दूसरी तरफ नरेश। आरिफ भी अच्छे बैट्समैन है, तालुका क्रिकेट के जमा के भाई, और एक अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ये अलग बात है कि उनका कद काठी बहुत छोटा है, लेकिन अंदाज जमा से मिलता जुलता। अब वो फील्डिंग हो या फिर बल्लेबाजी हो, हर चीज जमा से मिल ही जाती है। पहली गेंद अबरार डीओ की वाइड घोषित किया शाहिद मोमिन ने, वाइड की मदद से खाता खुला उस्मानिया स्पोर्ट्स का, एक रन। आप देख रहे हैं ताजीन ट्रॉफी 2018।
इस मरतबा गेंद को कलाइयों के सहारे ड्राइव किया है, गेंद पहुंची मिड डाउन पर, डीप से खिलाड़ी आए रफीक, एक हाथ से गेंद को उठाकर देना चाहते थे लेकिन मिस हुए, वन दो रन पूरे किए दोनों बैट्समैन ने। टोटल स्कोर 30 के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस वक्त उस्मानिया स्पोर्ट्स नफीस मामो फैन टीम। आर के स्पोर्ट्स इस सीजन बहुत उभरी है, इस मरतबा अच्छी गेंद, गेंद को ड्राइव कर दिया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी तक बैकलिफ को ऊंचा नहीं किया है बैट्समैन आरिफ ने, जानते हैं कि गेंद कुछ नहीं है। बिल्कुल नरेश भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, एक पूरा किया दूसरे के लिए गए, बहुत खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, दो पूरे किए बैट्समैन ने। यस, कदम क्यों ना तेज हो, क्योंकि जमा भी कुछ कम नहीं थे। टोटल स्कोर इस वक्त 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अबरार। उनकी ये गेंद, गेंद को ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर में, सफर लंबा था डीप के खिलाड़ी का लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला आप देखने जा रहे हैं, सामना कर रहे हैं अबरार का आरिफ। इस मरतबा डीओ की एक गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहुंची थी, शॉर्ट थर्ड बैन पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सोच अच्छी है कि बड़े स्ट्रोक्स के लिए नहीं गए हैं बैट्समैन, बहुत ही बुद्धिमानी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त उस्मानिया स्पोर्ट्स के। इस मरतबा अच्छी गेंद, बीट कराने में कामयाब हुए अबरार डीओ डॉट गेन। एक दिलचस्प ट्रॉफी आप देख रहे हैं, इस सीजन का ये तीसरा कप, पहला सिटी इमर्जन को जीता महंती स्पोर्ट्स ने, उसकी रनर रही मयूरेश इंटरप्राइजेस। दूसरा कप जो कल देर शाम खत्म हुआ उसे सुमेल सुसे रजी कुमारी फैन टीम आर के स्पोर्ट्स ने जीता, उसकी रनर रही वीआर स्पोर्ट्स। और ये तीसरा कप आप देख रहे हैं हमीद स्पोर्ट्स क्लब की देन ताजिन ट्रॉफी। आज अंजुमन स्पोर्ट्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, इस मैच की विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी, इसके बाद आखिरी जो मैच है उस मैच की भी विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। मुश्किल तो कल रहेगी, कल एक होगा बदला, कौन लेगा किससे बदला, क्योंकि कल वीआर बना मार के एक बड़ा मुकाबला। हालांकि पिछले सीजन उस्मानिया बहुत अच्छा खेली थी, पटकी हुई गेंद हुक करने की कोशिश, बीट हुए बैट्समैन डॉट गेन, स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 पर। ये ओवर बहुत कीमती है हमीद स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अगर ये गेंदबाज चल गया तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी उस्मानिया स्पोर्ट्स की। एचएस जय वैताल इस वक्त पेट भर के प्रैक्टिस करती हुई, इस मरतबा पावरफुल 6 रन। जमा जिस अंदाज से खेलते थे उनके भाई आरिफ उसी अंदाज में खेलते हैं, उनकी भी एक आदत थी कि शुरुआती 2 से 3 गेंदे कलाइयों का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद
अपने तेवर को बदलते थे, लेकिन कल उमर खान के लिए बहुत बड़ी, आज इन्हें नींद नहीं आने वाली है कि पहला मुकाबला वीआर से। अच्छी गेंद नहीं थी, बहुत ज्यादा उछाल नहीं ले पाए थे और गेंद की लाइन में गए, हुक किया था गेंद को 6 रनों के लिए। और जब आप हुक और पुल शॉट खेलते हैं तो गेंद की लाइन से आपको अलग होना बहुत जरूरी है, तब आप अपनी पूरे शरीर की ताकत को झोंकते हैं, तो ये चांसेस नहीं रहते कि गेंद ग्राउंड में रहे। एक और पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन था, पिछली गेंद से थोड़ा सा स्लोअर गेंद को रखा था, पहले ही बल्ला चला बैठे बैट्समैन आरिफ। बीटवे डॉट गेंद, दिलशाद इस वक्त मैच का मजा ले रहे हैं, नफीस मामू कुछ खास बात कर रहे हैं अपने मित्र के साथ। इस मर्तबा गेंद हवा में, रियाज गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अबरार डियो ने गेंद को उठाया, 2 पूरे किए बैट्समैन आरिफ ने। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चैलेंज के फाउंडर विजू ठाकुर काका, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है ताजिन ट्रॉफी 2018 में, हार्ट ऑफ सिटी, यहाँ एक अलग गरम मैच रहता है। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ, ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड घोषित किया शकील कोटी सर ने। टोटल स्कोर है इस वक्त 17 रन। पटकी हुई गेंद, पल्लू शॉट खेलना चाहते थे, तेज तर्रार गेंद थी, गेंद की लाइन से बहुत ज्यादा दूर हो गए थे और गेंद पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। 1 बाउंस का इस वक्त इशारा किया है अंपायर शकील कोटी ने। ये देखिए हमारे साथ विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कर्ता धर्ता शोएब मेमन जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ याकूब जुड़े, आपका भी इस्तकबाल है ताजिन ट्रॉफी 2018 में। इस मरतबा गेंद हवा में, कैच ड्रॉप किया वहां पर, और कैच नहीं, मैं समझता हूं अपने हाथ से रफीक ने मैच को छोड़ा है। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 12 रन चाहिए, हर गेंद में 1 रन, मैच कहीं नहीं है, क्योंकि नफीस मामू कल इसी ग्राउंड पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मयूरेश इंटरप्राइजेस के सामने एचएस को 6 गेंदों में 10 चाहिए थे, 1 गेंद पर सिक्सर लगा, उसके बाद 1 रन आया, फिर 4 गेंदों में 3 थे जो आखिर तक नहीं बन पाए और मुकाबला एचएस हार गई, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। मयूरेश इंटरप्राइज, सॉरी सुजाता पिंपलास थी, सुजाता पिंपलास के सामने, जो कि आज अपना एक तरफा मुकाबला हारी सुजाता पिंपलास। सुबह जब सूरज निकला था तब सुजाता पिंपलास अपने घरों से निकली थी। इतना क्लोज काउंटर, गेंदबाजी के लिए अब लगाया उस गेंदबाज को जो इस सीजन
तीसरे नंबर पर रैंकिंग कर रहे हैट्रिक विकेट लेने पे इश्तियाक को, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इक्वेशन सेम है, कुछ फर्क नहीं है। पहली गेंद इश्तियाक की, तेज तर्रार गेंद, वाइड घोषित किया अंपायर शाहिद मोमिन ने। यस, टोटल स्कोर इस वक्त 19 रन। साजिद हम आपको भी देख रहे हैं, हर तरफ देखते हैं कौन कहां क्या कर रहा है। आपने स्कोर पूछ रहे थे, हमने आपको स्कोर बता दिया है। 19 हुए, 11 चाहिए। अच्छी गेंद, बल्ले को किस लेकर गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर ये मैच आखिरी ओवर में चला गया और आखिरी की 6 गेंदों में 6 रन आ गए तो मैच और हिट हो जाएगा और ताजीन ट्रॉफी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि रियाज की गेंदबाजी बाकी। बल्ले को किस लेकर एक बार फिर विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद। अभी तक कोई विकेट नहीं गवाया है, हालांकि एक कीर्तिमान कल आरके के नाम था कि उनके दो बैट्समैन ने, अकबर और कपिल ने 63 रनों की पार्टनरशिप की थी मेगा फिनाले में। अच्छी गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल किया, एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं। यस, दो पूरे किए दोनों बैट्समैन ने। आठ रनों की और जरूरत है, एक से दो विकेटों का मिलना हमीद के लिए बहुत जरूरी है। नौ गेंदों का आना भी बाकी है और 8 रन जीत के लिए। नफीस मामू अब धीरे धीरे परेशान हो रहे कि मैच आखिरी ओवर की तरफ बढ़ रहा है। पटकी हुई गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं थी, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। यस, एक जो सिक्सर रफीक को लगा था वो इस वक्त महंगा साबित हो रहा है हमीद स्पोर्ट्स के लिए। टोटल स्कोर इस वक्त 23 विदाउट लॉस, उस्मानिया स्पोर्ट्स। क्या किए गए, मुश्किलें बढ़ेंगी उस्मानिया स्पोर्ट्स की, लेकिन कल बहुत बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं इस ग्राउंड पर। आरके बनाम वीआर, सबकी निगाह उसी राउंड पर लगी है कि क्या बदला लेगी वीआर या फिर एक बार फिर रजी कुमारी फैन टीम आरके वीआर को पीछा छोड़ती है। कितने चाहिए, 7 चाहिए। मैच में बहुत कुछ बचा है, जिस तरह उमर खान आईसीयू में इंसान रहता है, रिश्तेदार बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि सांस और आस, यहां भी बहुत कुछ है। सांस भी चल रही है हमीद की और उस्मानिया की आस भी है। नए बैट्समैन सैफुल्ला सामना करेंगे इश्तियाक का, इसके बाद जय वैताल बना मैचेस आखिरी मुकाबला। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है, पैरों में हलचल, रनों में हलचल। ये देखिए रफीक, करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ,
अब आप क्या करेंगे? जब किस्मत साथ ना हो ना तो फिर इसी तरह के परिणाम देते हैं। 6 गेंदों में कितने चाहिए? 5 रन। 6 में 10 थे, 4 में 3 आए, एचएस मुकाबला हार गई। यहां 6 गेंदों में 5 है, 6 एक गेंद में 6 बनना आसान है, लेकिन 6 गेंदों में जो 5 का एक्विशन होता है ये बहुत मुश्किल वाला होता है। लेकिन दोनों बैट्समैन अच्छे हैं, ये नहीं भूल सकते हम। छह गेंदे 5 रन, अब मुकाबला गर्म पानी में। लेकिन शोएब मेमन अब सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी टीम के पैकर बनकर रह गए। कल उनकी टीम एक्शन में नजर आएगी। कल तो जितने मुकाबले सब सुपर डुपर हिट है। 6-5 गेंदबाजी कर रहे, पिंटू सामना कर रहे, मेडल वन करने वाले गेंदबाज नरेश। क्या एक क्लोज काउंटर, पहली गेंद पैरों से गेंद को रोक रहे थे, दूसरे के लिए जा रहे, बढ़ते कदम को खींचा, ये देखिए अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है पिंटू ने। जहां एक थे वहां 2 दिए डायरेक्ट हिट करके, हालांकि घर का दरवाजा खुला नहीं था और जाना चाहते थे पकड़े गए। ये क्रिकेट है, इक्वेशन कुछ अलग नहीं है मामू। 3 चाहिए, चेस्को 4 में 3 थे, आपको 5 में 3 है। क्या कल एक और कीर्तिमान जो एचएस के साथ हुआ था वो उस्मानिया के साथ होने जा रहा है? तीन चाहिए बच्ची, 5 गेंदों में अगर 2 गेंदे बीट या एक बड़ा विकेट मिलता है तो हमीद बनी रहेगी। ये देखिए पंच किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, अब एक चाहिए। लेकिन कारण ये कि एक आपको बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। अमरेला फील्ड सजा दी है वहां पर अबरार डीओ ने। पिंटू हो क्लीन बोल्ड कर दिया है वहां पर। कितनी गेंदे बची है? 3 गेंदे 1 रन और चेसिंग कंपलसरी है। तीन गेंदे एक रन, नए बैट्समैन मुनव्वर। पिछले सीजन इन्हीं की बल्लेबाजी की बदौलत क्वार्टर फाइनल जीती थी खासदार में उस्मानिया स्पोर्ट्स। यह अलग बात है कि बहुत पुराने चावल हो चुके हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि किस वक्त किस परिस्थिति में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। तीन एक, चेसिंग कंपलसरी है, अगर वो डायरेक्ट हिट ना करते पिंटू तो 3-2 होते। और जो
सैफुल्ला ने 5 रन बचाए थे अपनी टीम के, वो इस वक्त उनकी टीम के साथ है। तीन एक का एक्विशन है। गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेला बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट और मुकाबले को जितवा दिया है। बाउंड्री गई वहां पर उस्मानिया स्पोर्ट्स। कांग्रेचुलेशन नफीस मामू, कांग्रेचुलेशन आरिफ, कांग्रेचुलेशन उस्मानिया स्पोर्ट्स क्लब एंड हार्ड लक हमीद स्पोर्ट्स, पिंटू अबरा डियो, शौकत रियाज, इश्तियाक रफीक। आइए अगला मैच एचएसी स्पोर्ट्स बनाम जय वैताल। जेडी और अंजुमन और उस्मानिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। यह आज के दिन का आखिरी मुकाबला जय वैताल बनाम एचएस। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है वो गेंदबाज जिन्होंने सब कुछ दिया। अगर उस तरह की गेंदबाजी ना होती तो हमीद और हाईएस्ट स्कोर की तरफ होती। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है नरेश, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है और मैं गुजारिश करूंगा नफीस मामू से कि वो अपने हमारे साथ विदु काका जी हमारे साथ हैं, हम उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं इस वक्त मैडन वर्क करने वाले नरेश को। अब आइए पहली दो ओवर के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर। गेंदबाजी विकेटों पे नहीं करनी है, जय वैताल। जय वैताल के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है तुरंत। जय वैताल के कैप्टन पहले आकर मुलाकात करनी है। अरे भाई आवाज नहीं आ रही थी यार, वो वहां पर टकरार है वो। भाई भाई क्या गुस्सा हो गया, वो उधर आया आ रहा है वो, हां वहां टकरार की आवाज थी, आवाज समझ नहीं आ रही। हां भाई ये भी था क्या भाई, इसको मैं देखा ही नहीं। अरे भाई 3 विकेट लिया भाई, दुल्ला गिरी इतना अलर्ट खड़ा था कभी भी बीपर आज अरे जब तू हाथों निकाल के दिया था बड़ा खुशबू इसके अंदर से। हाँ तू लेस क्यों खोला बगैर लेस के, तो पहन ले। टेक योर मोबाइल आज का, चलो शुरू कर। और ये इसी के दिन आज का आखिरी मुकाबला कुछ तक उसके लिए भागा। कैसी वाली कैसी पानी पी।
पानी नहीं है। ऐसे बोल हटा यार, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये साला दो दो रन दे रहे, देखो ना चूतिया साला, एक बॉल खिलाया ना और ओवर हुआ। नहीं होल्ड आउट हो, चुपचाप लौड़े लगा के चले आने का। वो स्टैक बैक बोला रहे, वो स्टैक बैक मारा ना उसने, उसके बाद मारा ना वो, मतलब है इसको मारा। काफी बेहतरीन मुकाबला भी देखने को मिला हमें हमीद स्पोर्ट और उस्मानिया के बीच। दोनों टीमों में अगर इफ्तिखार अंसारी हम अंतर देखे, जो सैफ ने बचाए, नरेश ने बचाए और कई सारे रन मिस किए हमीद ने, अगर वो पकड़े जाते फील्डिंग अच्छी होती फारूक सर तो कहीं ना कहीं इस मैच का परिणाम बदल सकता था। दो में सिलेक्ट करवा लेना है चीज का, सेलेक्ट नहीं करते, वहीं लेके जाओ। इसलिए हम देख रहे हैं कि अब दिन प्रतिदिन फील्ड का महत्व काफी बढ़ गया है और फिटनेस की वैल्यू भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर वो सैफ ने 5 रन नहीं बचाए होते तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। और ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर मगर ये क्रिकेट में नहीं चलता जी, इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट में अगर अच्छा मैच आया, 6-5 रन 30 रन में बहुत है। रोना तो हम लोग को चाहिए, दूर दूर है। अरे कहाँ है, आराम से संदेश पे इतना लेट करेगा तो पहुंच जाएगा, तुम्हारे थोड़ी दीजिएगा, टीम रजिस्टर नहीं थी तो उसका प्लेयर कैसे पकड़ेंगे। और दोनों ही टीमों के कैप्टन से मैच की पहली उस्मानिया स्पोर्ट्स के नफीस मामू, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है, उस्मानिया स्पोर्ट्स के नफीस मामू। और वसीम अंसारी हमसे जुड़ते, हम उनका तजीन ट्रॉफी में और HH स्पोर्ट्स ठीक है आपके आज की शाम का ये आखिरी मुकाबला HS स्पोर्ट और जय वेता जो मैच को परवेज नहीं बोला और
उस टीम का मुकाबला रहे। और बहुत ही बड़े 12th मैन इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, शकील कबाद वाला। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं तजीन स्पोर्ट हमीद स्पोर्ट की जानिब से तजीन ट्रॉफी 2018 में। और एचएस स्पोर्ट की ओपनर जोड़ी बीच मैदान में पहुंचती है, मुन्ना और संदेश। मुन्ना तो एक बहुत ही बड़ा नाम है सिटी क्रिकेट में, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, काफी लंबे लंबे हिट मारने में माहिर हैं। और संदेश ने भी पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, देखना है क्या कुछ कर पाएंगे इस मुकाबले में। और पहले ओवर की शुरुआत नॉन स्ट्राइकर एंड पर है मुन्ना और स्ट्राइक रखेंगे संदेश। और दर्शन शुरुआत करते हुए इस मुकाबले की, और उनका सामना करेंगे संदेश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद काफी ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर, बल्लेबाज की रेंज से दूर रखना चाहते थे गेंद को, काफी ज्यादा दूर कर बैठे, वाइड का इशारा। ओ, फिर से वही परिणाम, वो बल्लेबाज की रेंज से ज्यादा और काफी ज्यादा दूर कर बैठे, लगातार दो गेंदे। लोअर फील्ड टॉस गेंद थी, उसे खेला है इस ओवर की पहली गेंद, इन दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। बेहतरीन शॉट खेला है सुदेश ने, एक्स्ट्रा फिर से वाइड गेंद, समझ में नहीं आ रहा कि गेंदबाज क्या करना चाहते हैं इस ओवर में। अभी तक मानो वो बल्लेबाज से बचने की सोच रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में कभी भी आप बच के नहीं निकल सकते। आपको गेंदें तो करनी होगी। दर्शन मुड़ते हुए, फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव कर दिया, मुन्ना आंखों ही आंखों और आप देख रहे हैं तजीन ट्रॉफी 2018 हमीद स्पोर्ट की देन। एक खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है हमीद स्पोर्ट ने हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में, इस सीजन का ये तीसरा टूर्नामेंट। पानी मंगवा देना यार के लिए।
इन दो रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। काफी लंबा ओवर दर्शन का, और स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। स्विच हिट खेलना आसान नहीं होता, इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसे रन बनाकर आउट हुए संदेश, बहुत ज्यादा योगदान तो नहीं कर नए बल्लेबाज बंकू बंकी, काफी जुदा नाम है इनका। इस ओवर की आखिरी गेंद, काफी लंबा अतिरिक्त रन मिले एचएस स्पोर्ट को। देखना है बंकी क्या कुछ कर पाएंगे एचएस स्पोर्ट के लिए। बंटी ओ बैटर एक और पहले ही मुकाबला 45 का देखना है जय वेताल के कैप्टन किसे मोर्चे पर लगाते हैं। मोर्चे पर लगाया गया निक्कू को, निखिल देखना है क्या कसे ही गेंदबाजी करने में कामयाब हो पाएंगे निखिल। रनों पर लो निखिल राइट आर्म ओवर द विकेट शुरुआत करेंगे। लोअर फुलटेज गेंद थी, इसे सिर्फ एक रन, इस एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। और अपनी इनिंग की
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस गेल ने अपनी जिंदगी की पहली गेंद पर सिक्सर लगाया था और आज मुन्ना ने आते ही साथ खाता खोला सिक्सर से। बेहतरीन शॉट खेला था मुन्ना ने, इसे खेला है कवर की जानी फील्डर। अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान दिया था बैट्समैन मुन्ना ने और ये एक बड़े बैट्समैन की निशानी होती है कि एक बड़ा हिट लेने के बाद आप स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने इफ्तिखार, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। बीट हुए थे बैट्समैन बंटी और गेंद कहीं और थी, निशाना कहीं और लगाया था बैट्समैन बंटी ने और बहुत तेज सरार गेंद निकली थी डॉट के रूप में। फिर से वही शॉट बार बार दो बड़े आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं या फिर आउट होते हैं या अपनी टीम की मुश्किलें बढ़ाते हैं गेंद को डॉट करके। और चार ओवर के मैच में डॉट और ये बाउंड्री बंटी के नाम नहीं दूंगा क्योंकि डीप मिड विकेट के जो खिलाड़ी थे वो उस गेंद को रोक सकते थे लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज उनके साथ नहीं था, खड़े रह गए और गेंद को देखते रह गए। गेंद दो खिलाड़ियों के बीच में से निकली थी चार रनों के लिए, उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया था, मानो अपनी जगह पर जमे हुए थे। अगर स्टार्ट लिया होता तो कहीं ना कहीं गेंद को रोकने में कामयाब हो सकते थे। इन चार ओवर टू इफ्तिखार अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त जुड़े सुनील भाई लगान स्पोर्ट्स के एक तेज तर्रार गेंदबाज, आपका इस्तकबाल है। वसी भी हमारे साथ जुड़े और तवाब मुल्ला, कल इनकी टीम मेगा फिनाले जीतकर कहीं दूर शहर से निकल गई थी, देर रात आई है, यही कारण है कि तवाब मुल्ला अभी सोकर उठे। ये तो खुशी की लहर होती है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे सिद्धू, उनका सामना करेंगे बैट्समैन मुन्ना। मुन्ना इस मरतबा पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद थी, आगे की तरफ रखा था, गेंद पहुंची थी बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सोच अच्छी है दोनों बैट्समैन की कि अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे और छोटी गेंदें खराब गेंदों को सही नसीहत करते हुए दोनों बैट्समैन बंटी और मुन्ना एच एस इस वक्त सेफ जोन की तरफ बढ़ती हुई। इस मरतबा पिछले पांव पर जाकर स्ट्रोक को खेला, अपने आप को रूम दिया, बहुत ज्यादा दूर से खेले थे बैट्समैन बंटी, गेंद पहुंची थी कारपेट के सारे लॉन्ग ऑफ पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। कल एक बहुत बड़ा मुकाबला देखना ना भूले, ताजीन ट्रॉफी 2018 में बदला, वी आर बनाम एचएसी स्पोर्ट्स, सॉरी आरके स्पोर्ट्स। ये देखिए उन्होंने खुद तो घुटने टेके, इस इनिंग का दूसरा सिक्सर लगाया था मुन्ना ने और नहीं, बड़े स्ट्रोक्स खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और तेज तर्रार गेंदबाज हो और वाइड यॉर्कर गेंद को जब आप फुल टॉस बनाकर खेलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला था बैट्समैन मुन्ना ने।
इस मरतबा चेंज ऑफ पेस, बल्ले का बाहरी किनारा आउट हो गए मुन्ना। गेंदबाज ने भी अब चतुराई दिखाई, देखा कि मुन्ना बड़े शॉट खेल रहे हैं तो उन्होंने अपनी गति में और बेहतरीन पारी खेली मुन्ना ने, 5 गेंदों में 14 रन बनाए। ना ही पांच गेंदों में 14 रन काफी कारगर साबित हो सकते हैं चेस स्पोर्ट के लिए। और अब नए बल्लेबाज अक्षय मुन्ना की जगह पर आए हैं, देखने हैं क्या वो मुन्ना की तरह शॉट खेल पाएंगे। यस, नए बैट्समैन अक्षय इससे पहले मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है, वो टीम दूसरी थी और ये टीम दूसरी है। वक्त अलग था, ये वक्त अलग हो चुका है क्योंकि शाम अब बढ़ रही है। अच्छी गेंद, गेंद को ड्राइव किया है कारपेट के सारे, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं की, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि बंटी की निगाहें जम गई है, लेकिन उनकी निगाहें जरूर जमी है, कहीं वो ना जम जाए जिस तरह से भोला जमे थे रॉयल स्टार के, रॉयल स्टार हार गई, आकाश जमे थे हमीद स्पोर्ट्स के, हमीद हार गई। इस मर्तबा अच्छी गेंद, फ्रंट लेग को अलग करके खेला, गेंदबाज खुद उस गेंद पर लपके, लेकिन कोई बैकअप नहीं, नॉन स्ट्राइक स्टंप पर, यही कारण था कि दो आसानी से मिले। 3 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर 35 रन 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 इंपोर्टेंट विकेट। शकील कबाटवाला फैन टीम एचएस स्पोर्ट्स भी किस्मत बहुत दूर तक नहीं रही है। चौथा और निर्णायक ओवर लेकर आ रही गेंदबाज मयूर, मेन अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे शकील कोटी सर, लेक अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे फारूक बर्डी सर। स्पर्धा कितनी भी बड़ी हो, बहुत बड़े इनामात हो, अगर अंपायरिंग पैनल आपका अच्छा नहीं है तो आपका टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक गलत डिसीजन पूरे टूर्नामेंट को खत्म कर देता है। मयूर की पहली गेंद, उस गेंद को बहुत तेज तर्रार खेला था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींच के मारा था, ऑन साइड में एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। टोटल स्कोर 36 रन, अभी भी बंटी रुके हुए हैं, लेकिन रन नहीं रुक रहे, सिंगल डबल और बाउंड्री सिक्सर तो आ ही रही है। मयूर की ये गेंद रुक गया, कैच के लिए नहीं बढ़े, दूसरे के लिए पलटे बैट्समैन, खतरा, यस आउट हो गए बंटी। मुश्किलें अब एचएस की भी कम नहीं है क्योंकि रॉयल स्टार के सामने भी 3 ओवर में बहुत ही खतरनाक स्थिति थी एचएस की, उसके बाद 4th ओवर में वापसी की और गेंदबाजी में तो सब कुछ लूट कर चली गई, क्योंकि एक ऐसा कीर्तिमान रॉयल स्टार ने अपने नाम किया है जो शायद ही अब कभी होगा। 4 ओवर में 6 रन, कितनी बड़ी बात है, 4 ओवर में 6 रन बनाई, जिस टीम के कैप्टन मैं खुद था और जिसमें आपके साहबजादे भी खेल रहे थे। लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होते हैं, फिर वो कमेंटेटर खेले या फिर अंपायर खेले, उसे बोलने से नहीं चूकना चाहिए,
हया और शर्म नहीं होनी चाहिए, हकीकत छुपती नहीं है। आखिरी ओवर में रसम डाला 16-17 में, वही ना मैं आया पहली बॉल मारा बाउंड्री पे, अगर कौन पकड़ा अभी हग, मगर अड्डी तो थी है जैसे कहां है सभी लोग मयूर। एक बार फिर उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड घोषित किया अंपायर शकील कोटी ने। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं जय वैताल बनाम एचएससी स्पोर्ट्स के बीच में। इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया है हवा में, क्या लंबाई भी, यस 6 रन। क्लियर कहां किया, लॉन्ग ऑन पर, जहां अक्सर बैट्समैन आउट हो जाते हैं। यस, तो वह मुल्ला भी वहां कई मर्तबा आउट हुए। यस, हकीकत तो यही है, अब वो तवा मुल्ला हो या फिर कोई भी हो, ये वो दो ऐसी दिशाएं हैं जहां जल्दी क्लियर करना मुश्किल होता है। एक अच्छी कोशिश, दूसरे के लिए पलटे थे बैट्समैन, दो पूरे किए, इससे बेहतरीन जो सिक्सर रोका था वो सैफुल्ला ने रोका था उस्मानिया के, यही कारण था कि उस्मानिया वो मुकाबला जीत गई। हालांकि कैच हो सकता था, ये आसानी सा कैच था, लेकिन ग्रिप नहीं था हाथों में। पटकी हुई गेंद, खिलाड़ी मौजूद, अच्छा कैच, आउट हो गए बैट्समैन रवि। दो टीमों का जब मुकाबला होता है ना तो बहुत से लोग ग्राउंड पे नजर आते हैं, एक आरके, एक एचएस स्पोर्ट्स, एक विक्टोरियन, ये तीन टीमें ऐसी हैं जो एक दूसरे के लिए खड़ी रहती हैं। स्कोर है इस वक्त 46 रन। यस, नए बैट्समैन आमिर बिल्डर, इन्होंने मेरा कैच पकड़ा था डीप मिड विकेट में। पहली गेंद घूम के खेल दिया है आड़े बल्ले से, बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग लेग के खिलाड़ी की, दूसरे के लिए पलटे, आउट हो गए आमिर बिल्डर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त स्कोर पूरे जोड़ लिए एचएस स्पोर्ट्स ने 47 रन, 48 की चुनौती है जय वैताल के लिए। आइए हम अगले टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगली दो टीमें, आपको टॉस के लिए आना है। आज के दिन का आखिरी मुकाबले का हम टॉस करेंगे। अब आज के दिन का आप सेकंड लास्ट मुकाबला देख रहे हैं। जय वैताल के ओपनर्स को जल्द से जल्द ग्राउंड पर आना है और एचएस स्पोर्ट्स जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा ले। ये तो वो आप नहीं दिख रहा था बाल। ओ मुन्ना भाई 5 मिनट रुक जाओ। हाँ 5 मिनट इफ्तिखार बॉल नहीं था उधर वही रहेगा। ये भाई टॉस किसका था? वो अबरार भाई टॉस आपको कर दिया। अच्छा जूता कौन दिया था भाई? मेरे को नहीं मालूम उसकी बात करता हूँ। ताजिन ताजिन बोलते रहता है तू। Thank you.
देखो फोन लगा रहा, फोन लगने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख नया नया बॉल कौन बनता है, नया बॉक्स बता ना, जूना बॉल अलग कर दे। कल बड़े बड़े राउंड है यार, कल बड़े बड़े राउंड है। वापस आ जा। एचएस स्पोर्ट की रणनीतियों में कोई भी बदलाव नहीं। पहला ओवर लेकर आएंगे फैसल, जिन्होंने इससे पिछले मुकाबले में अपनी पहली ओवर में मात्र एक रन खर्च किए थे रॉयल स्टार के सामने, लेकिन वो टीम दूसरी थी। फैसल बेहतरीन गेंद फैसल की, गुड लेंथ पर रखा था गेंद को, बल्लेबाज ने उसे हल्के हाथों से खेला था कवर की जानिब।
फैसल पहले ओवर की शुरुआत करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट और उनका सामना करेंगे सागर। फुल टॉस गेंद थी फैसल की, बेट हो गए सागर, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लालच में आ गए थे फुल टॉस गेंद देखकर। बेहतरीन गेंदबाजी फैसल की, लेग स्टंप से बाहर रखा था गेंद को फैसल ने, व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर फारूक बड्डी सर की जानिब से, एक अलग अंदाज है उनका एम्पायरिंग का। अड़तालीस रनों की चुनौती रखी है एचएस स्पोर्ट ने जय वेताल के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या जय वेताल इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? फैसल मुड़ते हुए सागर के लिए, यॉर्कर गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद रखी थी, पूरी तरह से ब्लॉक हॉल में गेंद को रखा था फैसल ने, बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट में कल भी यॉर्कर की जगह थी और आज भी यॉर्कर की जगह है और आने वाले सालों में भी यॉर्कर की वही कीमत रहेगी। एक यॉर्कर गेंद ही ऐसी है जिस पर बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने में काफी दिक्कतें महसूस करते हैं। बेहतरीन गेंद फैसल की, बोल्ड कर दिया सागर, काफी एक बेहतरीन गेंदबाज फैसल, बेहतरीन गेंद थी फैसल की, पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को और स्टंप्स बिखेर दिया। अच्छी हाइट है फैसल की, फास्ट बॉलर को जिस तरह का एक उनका एक्शन और रनअप है काफी क्लीन है जिससे उन्हें काफी मदद भी मिलती है अपनी गेंदबाजी में। अब तक मात्र 2 रन खर्चे हैं फैसल ने, बेहतरीन शुरुआत एचएस स्पोर्ट की। फैसल मुड़ते हुए लोअर फुल टॉस गेंद और इसे उछाल दिया है, मुन्ना वहां पर मौजूद है, आउट। लगातार दूसरी विकेट मिलती हुई फैसल को इस ओवर में, अब वो हैट्रिक पर है। अगर वो हैट्रिक पूरी करेंगे तो इस सीजन में हैट्रिक मुकम्मल करने वाले 8वें गेंदबाज होंगे। हैट्रिक पर रहेंगे अब फैसल, क्या वो हैट्रिक मुकम्मल करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, देखना काफी दिलचस्प होगा। और नए बल्लेबाज यतीन, फैसल मुड़ते हुए हैट्रिक गेंद के लिए और बेहतरीन गेंद थी फैसल की, यॉर्क किया था लेकिन बल्लेबाज ने भी उसे खोद कर निकाला था जमीन से। हैट्रिक तो नहीं ले पाए लेकिन बहुत ही बेहतरीन ओवर समाप्त किया फैसल ने। एक ओवर की समाप्ति पर कुल रन बने हैं 3, 2 विकेट के नुकसान पे। इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या दे सकते हैं फैसल, एक ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और 2 विकेट भी हासिल की। अब और कठिनाइयां बढ़ती हुई जय वेताल के लिए, उन्हें 48 रनों की चुनौती दी थी और उस चुनौती को और भी कड़ा कर दिया फैसल ने अपना पहला ओवर डालकर, मात्र 3 रन खर्च किए और 2 विकेट भी झटक लिए जय वेताल के। अब बची हुई 3 ओवरों में 45 रन बनाने होंगे जय वेताल को, 15 रन प्रति ओवर उनको जरूरत होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है तो।
यानी हर गेंद पर 3 रन। और गेंदबाजी के लिए लगाया गया है मोहन को। देखना है मोहन फैसल का साथ निभाएंगे या नहीं। और पटकी हुई गेंद थी मोहन की, पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को, डॉट गेंद। एचएस स्पोर्ट्स की गेंदबाजी तो मानो बहुत ही कंजूस भरी रही है अब तक, पिछले मुकाबले में भी और इस मुकाबले में भी। और स्विच हिट करना चाहते थे बल्लेबाज, पूरी तरह से बीट हुए और कीपर भी मिस कर बैठे, बाय का इशारा आता हुआ एम्पायर शकील कोटी सर का, वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर है सिटी क्रिकेट के हमारे शकील कोटी सर। और इस टूर्नामेंट का हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं कि ये पहला बाय रन है। अपने कदमों का सहारा लिया था, बेहतरीन शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की जानिब, फील्डर वहां पर लंबा फासला तय किया था लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए, मिस फील्ड और 4 रनों के लिए गेंद गई सीमा रेखा के पार। काफी तेजी से आए थे, इसका ही कारण था कि वो अपने बैलेंस को बना नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा के पार चले गई 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। अपनी फील्ड को सजाते हुए मोहन, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है मोहन, अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से पटकी हुई गेंद और उसे कट किया था शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब बल्लेबाज ने, वहां फैसल मौजूद थे, एक से भी ज्यादा कुछ भी नहीं। मोहन मुड़ते हुए और कठिनाइयां बढ़ती हुई जय वैताल के लिए, बड़े शॉट्स की अब दरकार है उनको। फिर से पटकी हुई गेंद और बीट हुए बल्लेबाज, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं मोहन, गेंदों को तो पटक भी रहे हैं लेकिन उसमें गति नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से बल्लेबाज बीट हो जा रहे हैं। मोहन मुड़ते हुए यतीन के लिए, फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार तेज किया था मोहन ने, काफी वेरिएशन कर रहे हैं। उन्होंने पहले 2 गेंदे स्लो रखी थी, तीसरी गेंद उन्हें पता था कि बल्लेबाज कहीं ना कहीं समझ गया है कि फिर से स्लोअर वन रखेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने तेज किया और डॉट गेंद। 2 ओवर की समाप्ति पर कुल रन बने हैं 9, 2 विकेट के नुकसान पर। मोहन ने भी काफी कसी हुई गेंदबाजी की, मात्र 6 रन खर्च किए अपने ओवर में। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर डेसिंग और डायनामाइक अंदाज में इफ्तिखार अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर 9 रन। सबसे पहले तो ये कहूँगा, मोहब्बत दिल को आवारा बना देती है, गर्दिश में रहने वाला सितारा बना देती है, ये अपनी हद में रहे तो ठीक वरना किसी को वीर और किसी को जारा बना देती है। चेतन, तीसरे ओवर की पहली गेंद ड्राइव किया, गेंद को ऑफ वाली पर लेकर गेंद जा रही है गेप में, 4 रन। ये दर्शाता है कि मैच खत्म नहीं हुआ है। टोटल स्कोर इस वक्त खिसक कर पहुंचा है 13 रन। मैच में अभी भी जान है। चेतन की यह गेंद, कदमों का इस्तेमाल, मिस हुए विकेट कीपर, सहमति नहीं शकील कोटी सर की, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है
खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। सामना करेंगे बैट्समैन दर्शन, इस मर्तबा अच्छी दिशा दी लेकिन बढ़िया फील्डिंग शॉर्टमैन के खिलाड़ी की। सवाल पूछा जरूर था लेकिन सहमति नहीं शकील कोटी सर की। टोटल स्कोर खिसक कर पहुंचा इस वक्त 14 रन। यस, एक से दो बड़े स्ट्रोक आ जाते तो मैच दूर नहीं रहेगा, क्लोज काउंटर की तरफ तो बढ़ेगा। चेतन, ये देखिए गेंद हवा में, बंटी नीचे, आउट हो गए बैट्समैन। यस, वहां पर कुछ वाद विवाद हो रहा है चेतन और, क्योंकि एक टीम में पहले चेतन खेलते थे, आज उनके विपक्षी में खेल रहे हैं, यही कारण है कि लोग एक दूसरों की मजा ले रहे हैं। आपस के खिलाड़ी हैं और एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। चेतन की ये गेंद गैप में खेला है, वन बाउंस, 4 रन। जब जब चेतन को बाउंड्री लग रही है, लॉन्ग लेग की तरफ से बहुत तेज आवाज आ रही है। टोटल स्कोर है इस वक्त 18 रन, 48 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। 7 गेंदों में 30 चाहिए। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, दिशा दी, गेंद पहुंची गली से होते हुए बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, दूसरे के लिए पलटे बैट्समैन, 2 पूरा किया। अब 6 गेंदों में 28 चाहिए। एक तरफा अब तक का मुकाबला आप देख रहे हैं जय वैताल की तरफ से, और दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक तरफा प्यार को पसंद करते हो और एक तरफा हार को। तो हमने ऐसा भी देखा है शकील कबाट वाला कि अक्सर मस्ती मस्ती में कई बस्तियां उखड़ी हैं, किसी को आप कम नहीं समझ सकते। कल तो आपने देखा था आपकी अपनी खुद उखड़ गई थी, कुछ अलग करना चाहते थे मुन्ना, लेकिन आज अच्छा खेले मैं उनकी सराहना करूंगा। अच्छी बल्लेबाजी आज उन्होंने की अपनी टीम के लिए। छह गेंदे 28 रन, हालांकि इस ग्राउंड पर 6 पर 49 भी बने हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर, और उन्हीं की सबसे ज्यादा आवाज मैं समझता हूं निकल रही है। नाम नहीं लूंगा वरना वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन 25 साल का जो रिकॉर्ड है वो उनके नाम है। यस, सामना कर रहे हैं बैट्समैन सज्जन। यस, सामना कर रहे हैं अक्षय का बैट्समैन सज्जन। अपने स्टेप से चूके वहां पर शकील कोटी सर ने डेड गेंद का इशारा किया। बहुत ही डाइसिंग और डायनामाइक पर्सनालिटी शकील कोटी फारूक बर्डी सर। पहली गेंद चेंज ऑफ पेस, बीट हुए बैट्समैन, डॉट गेंद। अब 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाने होंगे तभी आप ये मुकाबला जीत सकते हैं।
इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, सिंगल के लिए जरूर निकल गए बैट्समैन। अब सिर्फ मैं समझता हूं कि औपचारिकताएं बाकी रह गई है, अगर अब शकील कबाटवाला को कोई हरा सकता है तो वो गेंदबाज है। इस मर्तबा बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्डमैन पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ औपचारिकताएं हैं, वरना मैच में कुछ भी नहीं बचा है। बची तीन गेंदें, सिर्फ करना बाकी है। अच्छी गेंद, बीट हुए बैट्समैन, डॉट गेंद। इस बीच अगली गेंद, रनों के लिए गए, आउट कर दिया। यस, इसके बाद एक फ्रेंडली मैच जिसमें ना कोई अंपायर होगा ना कोई कमेंटेटर, हमीद ए बनाम हमीद बी, फ्रेंडली मैच, लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। एक गेंद सिर्फ बची रह गई है, ये देखिए डंडा गया शेरगंज में पटिया का। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है HS स्पोर्ट्स के फैसल, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है फैसल, मैन ऑफ द मैच फैसल। हम सुनील जी के हाथों से इस वक्त मैन ऑफ द मैच देंगे फैसल को। फैसल मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हटना वहां से, सुनील भाई के हाथों से हम मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं इस वक्त फैसल को, और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है शकील कबाटवाला फैन टीम HS स्पोर्ट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हट लक, जय वैताल। माइक चालू ही है।